इस किसानी संघर्ष के जिथे किसान ट्रैक्टर लैके पहुँचे ने उत्थे कुछ नौजवान अपना योगदान पैदल पहुँच के पाया। तुहानू पहला दिखा दिए किसानी पैदल मार्च गुरद्वारा सिंह शहीदां साहब मोहाली तो दिल्ली मोहाली तो पहुँचे ने पैदल पहुँचे ने गलबात करते भाई जी की नाम की है जी? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी। असी शुक्रवार सिंह शहीदां गुरद्वारा साहब मोहाली चार तरीक तुरे से जी ते कल शाम नूं असी पहुँच गए सी। किन्नी तरीक नूं पहुँचे? कल तुसी लगा लो किन्नी तरीक सी? 8 तरीक। 4 दिनों का सफर रहा, किवें आया कि असी तुर के जाइए क्योंकि किसान ने ट्रैक्टरां ते पहुँचे ने ट्रालियां लेके ने होर व्हीकलां ते आए ने तुसी पैदल आए? देखो जी साढ़े विच असी किसान दे बेटे हैं जी, साढ़े अंदर भी किसानी का दर्द है, किसान का अन्नदाता अज सड़क पर है जो बहुत निराशा में है क्योंकि जेड़े काले कानून तीन पास किए गए है ये आप सब जानते हैं, कोई पार्लियामेंट में यदि चर्चा नहीं हुई, यदि राज्यसभा कोई चर्चा नहीं हुई। जदों देश में अन्न की लोड़ सी उदों पंजाब हरियाणे को यह कह दिता गया कि तुहानू एक MSP दिती जाएगी, तुसी अन्न उगाओ। जदों देश में शॉर्टेज सी सानू MSP दिती गई, जदों देश में बाकी सूबों च यह खेती होन लग गई, हुण अज इन्होंने पैर पिछे खिंच लिया क्योंकि ये जिहड़े काले कानून ने कल्ले पंजाब नू इफेक्ट या नहीं करनगे, ये पूरे देश नू करनगे क्योंकि ये यह है कि ये इस धंधे को ऑर्गनाइज धंधा करना चाहते हैं। ये खेती हुण उदा कैपिटलिज्म वांगू चली जाएगी, पूंजीपतियों को चली जाएगी, कारपोरेट सैक्टर को। हाँ जी कारपोरेट सैक्टर को आ जाएगी जिहड़ी चीज़ अज सानू 20 रुपए मिलती है क्योंकि किसान कोल होल्ड करन दा कोई स्टोरेज नहीं हुंदी, उन्हें जो भी खेती का हुंदा प्रोडक्शन वो इमीजिएट मार्केट सट दिंदा है। ये पूंजीपति की करनगे, जो भी इन्हां कोल इन्हां दी होगी फसल वो उन्हूं होल्ड करनगे ते अपने मन चाहे रेटा ते साढ़े आम पब्लिक नूं देणगे। इहदा जिहड़ा मारू रिजल्ट है वो कल्ला किसान ते नहीं पैणा, वो एक मीडिया वाला, वो एक डॉक्टर है, वो एक पॉलिटिशन है, इहदा हरेक बंदे ते पैणा है। साडी मोदी साहब नूं एक हथ जोड़ के बेनती है कि ये काले कानूनां नूं वापस ले लो, कुंभकरण दी नींद तो तुसीं जागो क्योंकि देश तरह ही कर रहा है, कोई सैक्टर नहीं बचा जिन्होंने मोदी साहब ने इफेक्ट नहीं किया। डीमोनेटाइजेशन हुई, सारा देश सड़कों पर आ गया, फिर इन्होंने GST लागू की, किहड़ा ऐसा व्यापार है जिहड़ा इफेक्ट नहीं होया? धारा 370 भी देखो किहड़ा बंदा जिहड़ा उस धारा तो सुखी है। फिर हुण ये किसानी ते आ गए, इन्होंने इत्थे नहीं रोकना जे असीं ना रोकिया। मेरी सारे देशवासियों हाथ जोड़ के बेनती है कि तुसीं किसानों का साथ दिओ, जथेबंदियों का साथ दिओ क्योंकि वो आपदे लिए नहीं बैठे, वो साढ़े सारे लिए बैठे है। जे असी अज मोदी ने इत्थे ना रोकिया वो दिन दूर नहीं जदों अज किसानों की वारी है, कल नूं किसे होर की वारी होगी। किन्ने लोग आए हो? असी जी 5-7 जने सीगे जो तुर के आए, असीं फैसला किया असीं दोस्तों ने आपस दे विच ही सलाह की भी सारे लोग ट्रैक्टरां ते बसां ते कारां ते जा रहे हैं, पर लोगों को एक सीध देने वास्ते असीं तुर के निकले ताकि जिहड़े लोगों नूं इहदे बारे जानकारी नहीं, एक तो वह एजुकेट हो सकन ते दूसरे जिहड़े घरां दे विच बैठे ने वो जाग सकन भी जे कोई बंदा तुर के जा सकता है तो गड्डियां ट्रैक्टरां जाना कोई वड्डी गल नहीं। कितने ना कितने लोगों नूं मोटीवेट भी करदे आए हो, फिर किवें मोटीवेट किया जो रास्ते चलो? मोटीवेट उन्होंने यही किया कि देख लो असी तो पैदल निकल गए हैं, हुण तुहाडी वारी है, तुहानू इत्थे हर हालत च पहुँचना चाहिए। पहला भी मैं 2-3 चैनलों से असी यही मैसेज दिता है कि जे असी पैदल आ सकते हैं लोग अपन कारा गड्डिया तो क्यों नहीं आ सकते। बाकी लोगों ने भी सानू बहुत मोटीवेट किया राह दे विच तुरे जाते हैं क्योंकि सानू भी असी फस्ट टाइम सी, असी कहड़ा कि असी 100-100 किलोमीटर दिया पेंडा चलते सी, वो तो आपस में साड़ी डिस्कशन होगी, कोई भी प्लैन नहीं किया। असी जो तुरना शुरू किया नेरा होया रात में देखिए स्टे कितने करना है, वो भी असी फिर गूगल से अपना गुरुद्वारा साहब की लोकेशन लभी, उत्थे भी उन्होंने साडा बहुत स्वागत किया, बड़ी सेवा की। करनाल तक तो सानू बहुत वधिया रहा, अगे जो हरियाणे च एंटर आए थोड़ा जिहा सानू परेशानी रहण दी जरूर आई, उत्थे फिर सानू असी होटल भी लैने पए, बाकी पैरों के तो तुम्हें पता ही है कि हाल 4 दिन चलना तुम पक्के तो है नहीं कि थलीट हो लंबा वार्ड कट जूंगे पर प्रॉब्लम तो आनी है। हाँ जी प्रॉब्लम तो बहुत ही हूँ भी पैर सुजे हुए हैं छाले हुए पे ने, पर फिर भी असं जिन्ना चेर संघर्ष चलता इतें ही रहेंगे तो पार्ट बन के रहेंगे कि लोगों को मोटीवेट करिए जिन्ना वो तो वो लोग पहुँचा क्योंकि सरकार का पता तो लग नहीं रहा, रोज़ अज मीटिंग कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं, बाकी जोड़े साढ़े किसान भरावान ने जिसे बंद ने डिसीजन लिया यस और नो वाला वो बहुत वधिया है। तो मीडिया के जरिए मैं कह देना चाहता
ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਆਇਓ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, CBI, ED, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜਾਖੂ।